दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया है। इस कट ऑफ के माध्यम से आप यहां पर चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें एग्ज़ाम दिया है तो आप ये जान सकते हैं कि आखिर आप कितना पीछे रह गए, कितना आपको मेहनत और करने की ज़रूरत थी। अगर आप आने वाले भर्तियों की तैयारी करें तब भी यहाँ पर आपको आइडिया हो जाता है कि आखिर इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जाती है। आपको बता दें पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी एपीयर हुए थे उनके प्राप्तांक भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग अपना प्राप्तांक ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल कट ऑफ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है जिसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती हैं वो इसी ग्रुप के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि SDM वगैरह हो गए, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया अनारक्षित की जो कट ऑफ है वो 111 गई है, अंतिम भर्ती लोएस्ट कट ऑफ है 111 गई है। अब आप पूछेंगे 111 कितने मार्क्स के हिसाब से, तो आपको बता दूं कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है, ठीक है, वो 150 प्रश्न उसमें आते हैं और जो मार्क्स होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 200 नंबर के हिसाब से है। वहीं पर जो पीसीएस का सेकंड पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें 100 प्रश्न आते हैं और ये भी 200 नंबर का ही पेपर होता है। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है ये CSET वाला पेपर होता है और इसमें 33% मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, यानी ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर टू के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है मेंस में जाने के लिए वो केवल पेपर वन के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ दी गई है ये पेपर वन के अकॉर्डिंग है और 200 नंबर के हिसाब से है, ठीक है। तो अनारक्षित की कट ऑफ देखिए 111 गई है, SC की 99 गई है, ST की 91 है, OBC की 114 है, EWS की भी 114 है, यानी OBC और EWS के देखिए 114 है, जबकि अनारक्षित की 111 है। तो जो अभ्यर्थी EWS से फॉर्म भरे थे उनको 114 नंबर यहाँ पर लाने थे, और जो अभ्यर्थी EWS से नहीं केवल जनरल से भरे थे उनके लिए मात्र 111 नंबर ही है, यानी जनरल से ज़्यादा फाइट अब OBC और EWS में हो गई है। DFF के लिए 109 नंबर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो अन्य कैटेगरी के छात्र, जिसमें से LB जो है 80 नंबर है, OA OL ये कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, जो स्पेशल कैटेगरी हुआ है जो PH के अंतर्गत आती है 107 है, और PDHH के 91 हैं, XRM के 93 हैं, महिलाओं के लिए 109 नंबर है और कुशल खिलाड़ियों के लिए 84 नंबर है। तो ये आपकी कट ऑफ है एग्जीक्यूटिव ग्रुप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लोग डाइट प्रवक्ता के लिए फॉर्म भरे थे उनकी कट ऑफ। तो डाइट प्रवक्ता यानी वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता की जो कट ऑफ गई है, अनारक्षित की गई 118 अंक, ये लोएस्ट कट ऑफ है। इससे ऊपर अभ्यर्थी जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ है। SC की गई 103, इसके बाद OBC की गई 117 और महिलाओं की गई 117। तो यहाँ पर भी कट ऑफ आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पर भी महिला OBC लगभग बराबर है, जनरल की यहाँ पर 118 है। अब व्यवस्थापक या व्यवस्था अधिकारी के जो कट ऑफ है वो देखिए, अनारक्षित की गई 81 नंबर, SC की गई 70 नंबर, OBC की गई 80 नंबर, EWS की 82 नंबर। यहाँ पर भी देखिए EWS की 82 नंबर गई है जो कि जनरल से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से XRM का कोई पद नहीं था, महिलाओं की गई है अनारक्षित OBC 80 नंबर, SC ST की 72 नंबर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसकी कट ऑफ देखिए, SC की गई है, ST की गई है 71 नंबर, ये ST कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति 71 नंबर, OBC की गई है 117 नंबर और महिलाओं की गई है 114 नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्राविधिक सहायक भू भौतिकी की जो कट ऑफ है, अनारक्षित की गई 110 नंबर और OBC की गई 108 नंबर। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ प्रारंभिक परीक्षा की जारी कर दी गई है। आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं अपने प्राप्तांक के साथ, और अगर आपका थोड़ा सा रह गया है एक दो नंबर दो चार नंबर से तो कोशिश करिए इस बार आपका हो जाए, थोड़ा सा व्यवस्था मतलब जो आपकी पढ़ाई है थोड़ा स्टडी है उसी के अनुरूप आप फोकस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। PDF डाउनलोड करना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।